बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 6 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका चैप्टर नंबर 4 अपलोड करते हैं। इसकी 3 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें चैप्टर नंबर 4 है इन्वायरमेंट एंड इंटरएक्शन, माहौल और तामुल। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ब्लैंक स्पेस कंपोनेंट। इस सवाल में कहते हैं कि माहौल की गैर जानदार अज्जा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर इस खाली जगह में आता है एबायोटिक, यानी माहौल की गैर जानदार अज्जा को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एनवायरनमेंट प्लांट आर रिगार्डेड एज अ प्रोड्यूसर्स। किसी भी माहौल में पौधे को प्रोड्यूसर कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लाइन इज रिगार्डेड इज अ प्रेडेशन एंड अ प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है प्रेडेशन। शिकार और शिकारी में शेर को हम शिकारी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है प्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स इन ह्यूमन बॉडी इज मॉस्किटो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है मॉस्किटो। इंसान में पैरासाइट्स की एक मिसाल मच्छर है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई दी एबायोटिक कंपोनेंट इन दी फॉलोइंग। सवाल में कहते हैं कि मंदरजा ज़िल में माहौल की गैर हयातियाती जुज की निशानदेही करें। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है वाटर वेपर्स, यानी आबी बुखारात। ये हमारे साथ इसमें एबायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ आर बेनिफिटेड एंड नाइदर इज हार्म इज कॉल। इस सवाल में कहते हैं अगर किसी ताल्लुक में दोनों शराकत दारों को पैदा पहुँचे और किसी को नुकसान ना हो तो ऐसे रिश्ते को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तर इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक स्पेस एनवायरनमेंट। इस सवाल में कहते हैं कि तर कौन सी माहौल की मिसाल है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेजर्ट। तर इज एन एग्जांपल ऑफ डेजर्ट एनवायरनमेंट, तर सहराई माहौल की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मॉस्किटो फीडिंग ऑन ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिज्म। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मच्छर जो इंसान की खून का शिकार करता है ये पैरासाइटिज्म की मिसाल है। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर ब्लैंक स्पेस मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इस सवाल में कहते हैं कि कुदरती माहौल को कितनी ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2, यानी कुदरती माहौल को 2 बड़े ग्रुप में तकसीम किया जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।